हेलो गाइस, गर्मियों में मैंगो शेक तो आपने बहुत बार पिया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम डिलीशियस और हेल्दी पपाया शेक की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। आइए बनाते हैं पपाया शेक, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल पपाया कट करके ले लिया है। फिर मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार लिया है और इसमें मैं कट पपाया ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह का मैं एक और बॉल इसमें ऐड करूंगी। तो इन टोटल मैंने यहाँ पे दो बॉल पपीता कट किया हुआ इसमें ऐड कर दिया है। पपाया शेक बना रहे हैं तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है, एक बड़ा ग्लास मैंने दूध का ब्लेंडिंग जार में ऐड कर दिया है। बहुत ही डिलीशियस होता है फ्रेंड्स, और ये बहुत हेल्दी भी होता है। गर्मी आ गई है और गर्मियों में ठंडा ठंडा पीने का मन तो करता ही है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। अगर आपका पपीता ज़्यादा मीठा हो ना तो आप चीनी टोटली स्किप कर सकते हैं, बिना चीनी के भी शेक को बना सकते हैं, तब भी ये बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ और अब मैंने देखिए इसे ब्लेंड कर लिया है। देखिए कितना क्रीमी और बढ़िया शेक जो है वो यहाँ पे हमारा बना है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें ऐड कर दूंगी एक टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इससे पपाया शेक का जो फ्लेवर और टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर से इसे मैं एक बार ब्लेंड कर लूँगी। तो लीजिए, हमारा पपाया शेक बनकर के रेडी हो गया है। तो मैंगो शेक को तो आप ट्राई करें ही गर्मियों में, लेकिन इसे भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। तो देखिए मैंने इसे एक ग्लास में पॉर कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना यमी और क्रीमी ये लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। इसे इंजॉय करें, बच्चों को दे, बच्चे अक्सर फ्रूट नहीं खाना चाहते, तो आप इस तरह से शेक बना करके बच्चों को गर्मियों में दे सकते हैं, वो इंजॉय करेंगे। और इसे थोड़ा सा मैं गार्निश कर दूंगी टूटी फ्रूटी के साथ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को जो है ना वो टूटी फ्रूटी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए मैं टूटी फ्रूटी से इसे गार्निश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए अच्छे से इसे मैंने गार्निश कर दिया है, कितना यमी और टेस्टी ये लग रहा है, एकदम डिलीशियस, हेल्दी। चीनी स्किप करना चाहें कर सकते हैं, और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट्स भी इसे ले सकते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज पेशेंट को दें तो इसमें चीनी बिल्कुल भी ऐड ना करें। और लीजिए इसे ठंडा ठंडा इंजॉय करें, सर्व करें, बनाएं, खुद भी पिए, अपनी फैमिली को भी पिलाएं। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी शेक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर मैं आती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सी गर्मियों की रेसिपी शेयर की है, उन्हें भी चेक ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई करें, पपीता आजकल मिलता ही है, तो शेक बनाएं, इंजॉय करें। और लीजिए मैं इसका आपको एकदम क्लोज लुक दिखाती हूँ, कितना यमी और टेस्टी ये लग रहा है। बच्चे तो खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे और उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि आप उन्हें कौन सा शेक पिला रहे हैं, लेकिन उन्हें टेस्टी बहुत लगेगा, तो वो इसी बहाने पपीता भी खा लेंगे और शेक का भी इंजॉय कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलूंगी इसी तरह की बड़ी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।